सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, इस प्रकार से। इस लाइन को आप पहले जो ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट ड्रॉ करना, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से इसको ड्रॉ कर लेना, इस प्रकार। फिर क्या करना है, इसमें जो है झोपड़ी बनानी है, ठीक है। झोपड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, जो ये लाइन बनाई उसी के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इस प्रकार दो लाइनें आपको टेढ़ी ड्रॉ करनी है हल्का सा, ठीक है। दोनों का एंगल बराबर रहना चाहिए। अब जैसे कि इस प्रकार से एक नीचे लाइन, सिंपल सा आयत जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही बना लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो। फिर क्या करना है, इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है आपको, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से डबल करेंगे हम, और इसको यहाँ से इस प्रकार मोड़ देंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार से लेके आएंगे और इसको इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको, हमें पीछे का भाग ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। पहले आप ऐसे ही लाइट लाइट ड्रॉ करके देख लें, फिर जब आपको लगे कि हाँ हमारा फिगर बन गया है तो आप उसको क्लियर कर लें। फिर थोड़ा सा हम ये पीछे का भाग दिखा रहे हैं, पीछे का घर है, और इस प्रकार से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आगे का घर थोड़ा सा छोटा हमने बनाया है, और पीछे का घर थोड़ा सा बड़ा, मतलब वो बड़ा है और एक एक छोटा है, दोनों अलग अलग टाइप से घर बनाए गए हैं। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर इसका हल्का सा दरवाज़ा दिखेगा, इस लाइन को हम यहाँ तक ले आएंगे, और यहाँ पर इसका ये दरवाज़ा यहाँ पर हल्का सा दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा उधर छिपा हुआ है। देखो इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और हाइट करके बनाते हैं तो पेपर में हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसको स्ट्रेट हमें क्या करना है, इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है सीधा सा, ठीक है। सिंपल सा और सीधा ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी इस एंगल के बराबर हमको क्या करना है, स्ट्रेट बना लेना है। अब यहाँ पर खिड़कियाँ बना लेनी है, और इस प्रकार से इसको हम डबा कर लेंगे, ठीक है। पहले आप लाइट लाइट बनाएं, जैसे कि हम बना रहे हैं, जिससे कि चीज़ों को साफ़ करने में ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बाद में बनाई जाती हैं इसमें जो आपको साफ़ भी करनी पड़ेंगी। जैसे कि जब हम फिगर पढ़ेंगे बनाएंगे तो कुछ फिगर्स ऐसे भी बन जाते हैं जिनके फिगर जिनके सर घर के ऊपर आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम बचने के लिए सबसे पहले लाइट बनाएंगे, फिर इसको डार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम इधर एरिया आपका नदी का बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये इधर क्षेत्र में जो ये है पानी भरा हुआ है इधर पूरा, और ये यहाँ पर, ठीक है, एक घर है, ठीक है। ये भूखंड है जहाँ पर घर बने हुए हैं, इस प्रकार से। अब क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा हम इस प्रकार से स्पेस देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा हमारा फिगर। ये भी भूखंड है यहाँ पर, और ये हमारी पूरी नदी हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर घर के पीछे, ठीक है, घर के साइड से आप लगाइए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बाड़ बना दीजिए, जो जंगली जानवर वगैरह ना आने पाए, इसलिए लोग लगाते हैं गाँव में। देखो यहाँ पर ग्रामीण दृश्य चित्रण करना होता है, तो जो गाँव में चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, वही चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। ज़्यादातर ग्रामीण दृश्य चित्रण ही पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले हम फ्रंट की चीज़ें बनाते हैं जिससे कि हमको साफ़ ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर हम एक पेड़ बनाएंगे, तो सबसे पहले पेड़ का हम तना बनाएंगे, ठीक है। तने को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी शाखाएँ, ब्रांच जो शाखाएँ होती हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं, ठीक है, और जो तने होते हैं, ठीक है, उनको बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाद में इनको बनाना, जब हम बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। देखो किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें, और इस समय हमने जो वीडियो डालना स्टार्ट किया है वो रियल टाइम वीडियोज़ हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई भी इसमें आपको टाइम लैप्स नहीं मिलेगा, और हमें नहीं लगता आज तक कोई भी वीडियो जो डाल रहा है यूट्यूब पर
जो है टाइम लैप्स करके ही डालते हैं लोग, वहाँ चीज़ों को समझाते नहीं हैं। तो अगर आपको चीज़ों को समझना है तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से थोड़ा सा वीडियो पढ़े देख करके सीखना होगा। अब क्या करना है, सिंपल सा इसके लीव्स, एक एक लीव्स नहीं बनाते, पूरे पूरे ग्रुप्स बनाते हैं पत्तियों के। ये हमने पहला ग्रुप्स बना लिया, ये इधर हमारी एक शाखा हमने दी थी यहाँ पर, उसका ग्रुप्स बना लिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पीछे की एक शाखा है, उसमें हमने ग्रुप्स बना दिया एक, ठीक है। और इसके ऊपर ठीक है हम कुछ ब्रांचेस और निकालेंगे इस प्रकार से, कुछ शाखाएँ निकालेंगे इस प्रकार से, और इन शाखाओं में भी हम जो है लीव्स और जो ग्रुप्स हैं लीव पत्तियों के उनको बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक ग्रुप्स हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और एक ग्रुप्स यहाँ पे बना दिया। देखो हम आपके लेवल का बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए बहुत अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के लेवल में ज़्यादा चीज़ें डिटेल नहीं की जाती हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें बना दी जाती हैं। अगर ज़्यादा डिटेलिंग करोगे तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। सिंपल सा आपको ये दिखाना है कि हमने पेड़ बनाया है, तो पेड़ आपका पेड़ जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें आपको डिज़ाइन या कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से सिंपल सा हमने एक पेड़ बना दिया यहाँ पर, और पीछे का एरिया अब रह गया है शेष, उसको हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो गांव होते हैं, तो गांव में कुछ घास के, सूखी घास के ढेर होते हैं, हीप होते हैं, तो उसको हमने एक यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, हीप वही ढेर बनाया है आपका। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से छोटी छोटी, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इस प्रकार से ठीक है झाड़ियाँ बनानी है इसमें, ठीक है, पीछे की साइड। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ से इस प्रकार से इसमें झाड़ियाँ बना देनी है, ठीक है। ये हमारी झाड़ियाँ बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, दो छोटे छोटे क्रोच, कौवे या कह सकते हो आप पक्षी, ठीक है, उनको बना लेते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें ब्रश से बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, किसी दिन हम कलर पे भी वीडियो डालेंगे। आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमको उत्साह मिलता है और इससे भी अच्छी वीडियोज़ हम आप तक लेकर आएंगे। इस प्रकार से अब हमको क्या करना है, चीज़ों को डार्क करना है। डार्क हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो है नाव बनाते हैं एक छोटी सी, क्योंकि हमारा फिगर पूरा नौका विहार पे कह सकते हो है, ठीक है। तो नौका विहार जब हम बनाएंगे नाव, तो इस प्रकार से इसमें नाव बन जाएगी, ठीक है। अब नौका विहार है तो नौका विहार में नाव का दिखाते हैं, मतलब ये कह सकते हो नाव को हमें ज़रूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो नाव में बंधन लगे हुए होते हैं उनको हम बनाएंगे थोड़ा सा, और नाव जो है लकड़ी की होती है, तो इसमें इस प्रकार से पटरे भी बनेंगे, पटरियाँ उसके शेप बना देंगे। इसको हम बाद में डार्क करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हम आपको सिखा रहे हैं, एक बार में आप सीख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है, जो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनको हमें बनाना है यहाँ पर, तो उसको बना लेते हैं। देखो जो फिगर बनाए जाते हैं इसमें वो बहुत ही क्लियर नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए। प्रपोर्शंस थोड़ा सही होने चाहिए, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो होनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए कि हाँ जो हमने दिखाने का प्रयास किया है वो है कि नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब करने में टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। ये इसके हाथ में चंपू है जो कि ये चला रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डबल करेंगे क्योंकि नाव के अंदर है, तो वो चीज़ें भी हमारे सामने निकल के आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें एक आगे और आदमी बना बैठा हुआ है, उसको हम बनाते हैं, इसके नाव के अंदर बैठा हुआ है और चंपू चला रहा है, ठीक है। बहुत ही मतलब फिगर्स में बहुत ही क्लियर नहीं बनाए जाते हैं, ये समझ लीजिए आप देख रहे होंगे चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से, ठीक है, या कह सकते हो कोई बाहर से टहलने के लिए आया हुआ है, ठीक है, उसी को इसमें बनाया गया है।
यहाँ पे कुछ पेड़ बने हुए हैं, ठीक है, तो देवदार पेड़ जैसे होते हैं ना वैसे बने हुए हैं, तो उसको हम बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसके चबूतरे को थोड़ा सा हम बनाएंगे, ठीक है, घर का चबूतरा जैसे कि नीचे बना देते हैं, जिससे कि अगर कहीं पानी वगैरह आए तो ना आए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। अभी हमारा फिगर जो है बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसकी शेडिंग करेंगे, तो शेडिंग को हम टाइम लैप्स कर देंगे, और आप लोग देख करके वहाँ से भी समझ सकते हो, क्योंकि शेडिंग डार्क एंड लाइट की जाती है। किसी दिन हम रियल टाइम में वीडियो अगर बनाना होगा तो शेडिंग का हम पार्ट अलग बना देंगे कि कैसे शेडिंग की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें, सेट पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या होता है। वैसे आप लोग अगर ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें अनक्लियर रह जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे एक बार कमेंट करें, और हम शेडिंग के ऊपर एक अलग वीडियोज आपको देंगे, ठीक है।